मानसून पूर्व जो तैयारी होती है कि जल जमाव नहीं हो शहरी क्षेत्र में और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में, बाढ़ पूर्व तैयारी हम लोग करते हैं, जो कि बाढ़ नहीं आए और आती है तो उससे निपटने के लिए, उसी के क्रम में स्थल निरीक्षण हो रहा है नगर निगम के द्वारा, बुडको के द्वारा जो सम्प हाउस है उसका मरम्मती रख रखाव, नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ 9-10 नाले हैं पूरे पटना शहर में, तो उन सभी के निरीक्षण के लिए आंतरिक टीम बनी हुई है नगर निगम की, बुडको की, जिला प्रशासन से भी टीम बनाई गई है क्षेत्रवार, तो उसी का हम लोग एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन में स्थल निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और अगर भारी बारिश होती है तो किसी प्रकार का जल जमाव नहीं हो जैसा 2019 में हो गया था। तो उसी तैयारी में हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं विभिन्न सम्प हाउस का, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का और जो बड़े नाले हैं शहर के उनका। कोशिश रहेगी सर कि वैसी स्थिति ना उत्पन्न हो पाए? हाँ बिल्कुल, वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, पूरी तैयारी है, नाले की सफाई हुई है और जो जितने ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन हम लोगों के DPS हैं वो सभी ठीक हालत में, उसकी सर्विसिंग मरम्मती सब हो चुकी है और क्षमता भी काफ़ी बढ़ाई गई है। 2019 में जो हम लोगों की क्षमता थी पानी को पंप आउट करने की, जब गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, पुनपुन का जल स्तर बढ़ जाता है तो उस समय पानी अपने ग्रेविटी नेचुरल फ्लो से नहीं निकलता है, उसको पंप आउट करके हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो 2019 में जितनी क्षमता थी उससे लगभग दोगुनी क्षमता हम लोगों ने कर लिया है, तो अब उस प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए और बिजली की भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। 2019 में हम लोग देखे थे कि बिजली फेल होने के बाद जैसे सब स्टेशन डूब गए पानी में, बिजली कट गई, तो उसके बाद डीजल पंप सेट कम थे, जनरेटर की व्यवस्था कम थी, तो हर DPS पर हम लोग डीजल पंप सेट की व्यवस्था और प्लस जनरेटर पर्याप्त कैपेसिटी का, जो बिजली वाले हमारे मोटर हैं उसको चलाने की जितनी कैपेसिटी ज़रूरी है उतना कैपेसिटी का जनसेट सभी DPS में लगाया गया है, डेडिकेटेड इसके लिए पावर सब स्टेशन भी दिए गए, डेडिकेटेड लाइन दी गई है, उस प्रकार की स्थिति नहीं आएगी, उसकी पूरी तैयारी की गई है।